हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ। तो ये ए बी और सी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे क्या दिया हुआ है, इफ एंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी ये वाला एंगल ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, तो इस दोनों एंगल का सम हमको दिया हुआ है 70 डिग्री है ना, दिया हुआ है। और बी ओ डी ये वाला एंगल जो है बी ओ डी, इसका वैल्यू दिया है 40 डिग्री। तो बी ओ ई का हमको वैल्यू फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई कहाँ है, एंगल बी ओ ई, तो ये वाला एंगल का हमको वैल्यू फाइंड करना है ना, एंगल बी ओ ई ये कितना होगा। और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स कितना होगा। तो इंट्रोडक्शन में हम बतलाए हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कि ये ए बी और सी डी है ना, ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पर, सपोज कि ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या होता था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है ठीक है। उसी तरह से ये वाला एंगल है ना इधर का और ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर हम इसी वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एट फर्स्ट गिवन, तो गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये तो हमको गिवन डाटा है। फिर है आगे कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो जिस तरह से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो उसी तरह से तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो हम यहाँ पर उसको मेंशन करते हैं कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। तो कैसे इसका इन्फॉर्मेशन देना होगा, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं वी ओ ए है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर क्या करना हमको, तो बी ओ डी का वैल्यू कितना, 40 डिग्री, तो हम यहाँ पर 40 डिग्री इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी का है ना, इसका वैल्यू हमको आ गया कितना, तो 40 डिग्री। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि बी ओ ई का वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए है ना कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये हमको दिया हुआ है 70 डिग्री। तो इसके प्लेस पर है ना, एंगल ए ओ सी के प्लेस पर हम 40 डिग्री पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना, तो 70 डिग्री। अब जब सॉल्व करेंगे देयरफॉर एंगल बी ओ ई, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बी ओ ई ये जो एंगल आया है ना, ये कितना आया, 30 डिग्री। तो यहाँ पर बी ओ ई इसको निकालना था, तो इसका वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री। अब क्या करना है, तो अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, किसका, एंगल सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जिसके बारे में बोला जाए, जैसे यहाँ पर किसके बारे में कह रहा है कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होगा, तो सबसे पहले कि हम इस सी ओ ई का हम वैल्यू निकालते हैं कि ये सी ओ ई कितना होगा ठीक है। तो क्या करेंगे कि ए ओ बी ये क्या है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और इस एंगल का है ना, ये एंगल प्लस ये और ये, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो इस तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम एंगल सी ओ ई का वैल्यू निकालते हैं। नाउ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस
एंगल बी ओ ई, बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका इन्फॉर्मेशन हमको लिखना होगा कि कौन सा एंगल है ये, तो ये है स्ट्रेट एंगल, इसका इन्फॉर्मेशन है ना ब्रैकेट में देना होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए ओ सी और बी ओ ई है ना, यहाँ पर गिवन दिया हुआ हमको ए ओ सी और बी ओ ई, ये कितना है तो 70 डिग्री है। तो यहाँ भी ए ओ सी और बी ओ ई, तो इसके प्लेस पर तो हम 70 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यूज़ का, ठीक है। तो 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी ओ ई का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। मीन्स ये जो वैल्यू आया इसका सी ओ ई का, ये कितना आया इसका 110 डिग्री। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो 360 में जो वैल्यू आया है सी ओ ई का उसको माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री अब माइनस कितना 110 डिग्री, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पर जो एंगल सी ओ ई है तो इसका वैल्यू आया 250 डिग्री, और ये जो एंगल बी ओ ई है तो बी ओ ई का कितना आया 30 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई है ना, ये लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ये एम एन है ठीक है, इंटरसेक्ट्स एट ओ, तो ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। इफ़ एंगल पी ओ वाई, तो पी ओ वाई ये कितना दिया हुआ हमको, तो 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ये हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। एंड ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, मीन्स इस दोनों का ए और बी का है ना रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3। तो ये जो सी है ना स्मॉल सी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, यही हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये चूँकि हमको रेशियो में दिया है ना, ये ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, तो हमको तो इसको रेशियो में दिया गया यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखते हैं हम क्या है रेशियो यहाँ पर, तो लिखते हैं गिवन एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, ए इज टू बी, रेशियो जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। तो हम इसको लेट कर लेते हैं है ना, लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x, ठीक है, हम यहाँ पर लेट कर लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एंगल है ना, ये B और ये A और फिर इधर ये 90 डिग्री, तो ये पूरा जो है वो कौन सा एंगल हो गया, तो ये तो स्ट्रेट एंगल हो गया। तो हम इसको मेंशन करते हैं कि ये एक्स ओ वाई ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो कंप्लीट ये जो एंगल होगा पूरा, तो ये कौन सा एंगल होगा, तो ये होगा स्ट्रेट एंगल। तो हम इसको मेंशन करते हैं यहाँ पर कि एंगल एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यों हो गया 180 डिग्री, तो हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है, तो एक्स ओ एम, तो एक्स ओ एम मीन्स क्या, एक्स ओ एम ये क्या यहाँ पर बी है ना, ठीक है, तो बी को क्या लेट किया हम यहाँ पे, तो 3x, तो 3x वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं इसका।
और एम ओ पी, तो एम ओ पी क्या है यहाँ, ए है, तो ए क्या है यहाँ पर 2x और प्लस 90 डिग्री है ना, ये पी ओ वाई, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री में ये 90 राइट हैंड साइड जाकर क्या होगा माइनस, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 18 जो वैल्यू निकला x का, यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो a का कितना हो गया, तो a का हुआ ना 18 इंटू टू, हम इसको अगर इस तरह से सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। और 3x है यहाँ पे, तो x का वैल्यू हम यहाँ 18 दें, तो 3 इंटू 18, तो ये हुआ 54 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2x है ना, 2x मीन्स क्या, a, तो a का कितना आया 36 डिग्री, ये हुआ 36 डिग्री, और b ये हुआ 54 डिग्री, ये पूरा है ना, ये हुआ 54 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, अब हमको तो निकालना है यहाँ पर कि इस c का है ना वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस m o n को हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये m o और n, ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं क्या, एक ये एंगल, ठीक है, और दूसरा एक ये एंगल, तो इसको हम लिखते हैं कि एंगल m o x, एंगल m o x, एंगल m o x प्लस होगा ना m o x प्लस एंगल x o n प्लस एंगल x o n इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लीनियर पेयर, ठीक है। अब तो m o x, m o x का कितना निकाले, m o x क्या है, b, और b का हम यहाँ पर कितना निकाला है, तो 54 डिग्री, ठीक है। तो m o x के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 54 डिग्री हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं प्लस x o n, तो x o n तो हमको निकालना है, जो कि यहाँ पर क्या है c, तो हम यहाँ पर c लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो c इज इक्वल टू कितना, तो c इज इक्वल टू होगा, हम इसको माइनस कर देते हैं 180 डिग्री और माइनस 54 डिग्री, तो क्या होगा 10 में 4 ये 6 और 17 माइनस 5 तो ये 12, यानी 126 डिग्री। तो इस एंगल c का जो वैल्यू आया वो आया 126 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के फिगर में क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर, कहाँ है एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये वाला है यहाँ एंगल, इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल है ना पी क्यू एस, ठीक है, ये एंगल और एंगल पी आर टी, ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा, इसी को हमको प्रूफ करना है। मीन्स ये दोनों एंगल हमको दिया हुआ यहाँ पर गिवन, और प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो बहुत इजी है, इसको देखिए कितना इजी है। तो सबसे पहले कि हमको गिवन यहाँ पर क्या है, तो गिवन हम लिखते हैं, गिवन एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लीनियर पेयर का यूज करेंगे, होता है ना इसका सम और इसका सम, दोनों का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर कि एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है, प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा ना, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब जिस तरह से हम इस पॉइंट को लिए उसी तरह से हम यहाँ पर लेते हैं। अब इसको क्या लिखें, तो एंगल पी आर क्यू
एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू, ये भी तो होगा 180 डिग्री, इसको इक्वेशन थर्ड। ये हुआ कैसे, तो इसका इन्फॉर्मेशन देना होगा ना, तो ये हुआ लीनियर पेयर से और ये थर्ड इक्वेशन भी ये लीनियर पेयर है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग ये इस चीज़ को देखते हैं कि राइट हैंड साइड में है ना, ये इक्वेशन टू और थ्री में राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि यहाँ भी 180 डिग्री है और यहाँ पर भी 180 डिग्री है, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। तो राइट हैंड साइड तो इक्वल है ना, 180 डिग्री 180 डिग्री, इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो हम इसको इक्वल करते हैं। तो फर्स्ट में इस इक्वेशन को लिखते हैं हम, है ना, तो क्या है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब इस थर्ड इक्वेशन को लिखते हैं क्या है यहाँ पर, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू अब प्लस एंगल पी आर टी, प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पी क्यू आर है ना, यहाँ पर पी क्यू आर और इज इक्वल टू क्या है पी आर क्यू, ये गिवन है ना, गिवन दिया हुआ यहाँ पर कि पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो क्या करेंगे कि या तो पी क्यू आर को है ना, या तो पी क्यू आर को हम पी आर क्यू लिख दें, या कि इस पी आर क्यू को हम पी क्यू आर लिख दें, दोनों में से जिसको लिखने का मन होगा हम उसी को लिखेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस एंगल पी क्यू आर को हम पी आर क्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो एंगल पी क्यू एस प्लस इस पी क्यू आर को हम पी आर क्यू लिखते हैं यहाँ पर, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू अब प्लस एंगल पी आर टी। तो यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन देना होगा है ना, तो ये हम कहाँ से लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी इक्वेशन फर्स्ट के हम यहाँ पर लिखे इसको पी आर क्यू इस पी क्यू आर को। तो अब यहाँ पर इसको हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू और इस एंगल पी आर क्यू को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, एंगल पी आर क्यू, ठीक है, और इक्वल टू इधर तो यहाँ पर है ही एंगल पी आर और ये टी, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, है ना, एंगल पी क्यू पी आर क्यू अब माइनस एंगल पी आर क्यू, ये तो कैंसिल हो गया जीरो, तो एंगल पी क्यू एस और इधर क्या बचा, इधर क्या बचा एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तो एंगल पी क्यू एस कहाँ है, एंगल पी क्यू एस, तो पी क्यू एस ये वाला एंगल है, ठीक है, फिर है एंगल पी आर टी, तो पी आर टी कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। और हमको प्रूफ क्या करना था, तो हमको प्रूफ भी यही करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका ये प्रूफ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।